हेलो व्यूअर्स, मैं आपके लिए कह रहा हूँ नोकिया 210, ये कीपैड वाला फोन है। अभी इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, कंप्लीट फीचर पर डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं दी शॉपिंग। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए दी शॉपिंग को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे ताकि आप देख सको मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। दोस्तों, ये नोकिया 210 है, नोकिया 210। ये ऑफिशियल वारंटी वाला बॉक्स है। नोकिया 210 की जो प्राइस है पाकिस्तान में 5,000 रुपये है एक साल की वारंटी के साथ, और इंडिया में मिल जाता है आपको 2,200 रुपये में। इसका ड्यूरेबल पॉलीकार्बोनेटेड शेल है, 3 कलर्स में लॉन्च किया गया है जो कि अवेलेबल हैं, ब्लैक, रेड और ग्रे। इसकी बॉडी के डायमेंशन की बात करें तो 120.8 मिलीमीटर की हाइट है, 53.49 मिलीमीटर की विड्थ है, 13.81 मिलीमीटर की डेप्थ है, मोटाई है। इसकी जो बॉडी बनाई गई है प्लास्टिक की बनाई गई है, मटेरियल बहुत अच्छा है, गिरने से ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। इसके नेटवर्क की बात करें तो GSM 900 और 1800 पे ये काम करता है, ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है, दोनों सिम माइक्रो लगा सकते हैं इसमें आप। इसकी इंटरनल मेमोरी 16 MB है, इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मौजूद है। इसमें जो रिमूवेबल बैटरी है BL5C की 1020 mAh की है। इसकी जो डिस्प्ले है वो TFT स्क्रीन है। इसकी डिस्प्ले का जो पिक्सल का रेजोल्यूशन है वो 240x320 पिक्सल का है, 167 PPI पिक्सल डेंसिटी है। मीडिया टेक की चिप भी लगाई गई है MT6260A, 2.4 इंचेस का QVGA डिस्प्ले है इसका। 500 तक आप कॉन्टैक्ट इसमें सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दो सिम में ज़्यादा से 500 जिस तरह की सिम की कैपेसिटी उस हिसाब से आप फोन बुक ले सकते हैं इसमें। इस फोन में सबसे अच्छा फीचर जो कि कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करने वाले को ज़रूरत होती है वो है तस्वीर लगाने की। कॉन्टैक्ट सेव करने के अलावा उनको नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन वो अपनी तस्वीर के ज़रिए से किसी भी चीज़ की उन्होंने हिंट रखा होता है या तस्वीर लगा सकते हैं आप किसी भी यूज़र की। कॉन्टैक्ट पे आप पिक्चर लगा सकते हैं। 32 GB तक मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर रहा है इसमें MicroSD। चार्जिंग कनेक्टर MicroUSB 2.0 है इसमें लगाया गया है। इसका जो मैक्सिमम टॉक टाइम है 18 घंटे है, 20 डेज इसका स्टैंड बाई टाइम है एक बार चार्ज करने से। लाउड स्पीकर इसमें अवेलेबल है, 3.5 mm का ऑडियो जैक लगा सकते हैं, FM रेडियो भी इसमें अवेलेबल है। इस फोन का जो कीबोर्ड बनाया गया है वो रबड़ का बनाया गया है, टिक टिक की आवाज़ आती है जब आप इस पर मैसेजिंग करते हैं। कीपैड के अंदर आपको इसकी लाइट भी नीचे से आपको मिलेगी आप अगर आप अंधेरे में जाते हैं तो। काफ़ी स्टाइलिश लुक बनाई गई है और इसकी इजी ग्रिप बनाई गई है जो कि बहुत ही हैंडी है। इसका जो रियर कैमरा है वो VGA है। इस फोन का लोगो है पुट द इंटरनेट इन योर पॉकेट। इस फोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। ओपरा मिनी ब्राउज़र जो कि इंस्टॉल किया गया है जो कि कम से कम डाटा यूज़ करता है और फास्टर आपका परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा बिल्टन इंस्टॉल किए गए हैं फेसबुक ऐप्स और बिल्टन गेम्स भी आपको मिलती हैं जैसे कि स्नेक वगैरह। MP3 प्लेयर और FM रेडियो आपको डेफिनेट इसमें मिल जाता है। इसका जो बैटरी टाइम है 20 डेज इसका स्टैंड बाई टाइम है। बैक कैमरे के साथ आपको नोटिफिकेशन LED लाइट भी मिल जाती है। गो टू ऑप्शन में आप डिफरेंट ऑप्शन रख सकते हैं जैसे कि फोटोज है देखेंगे, अगर आप फोटो देखना चाहते हैं इसमें मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा। कीपैड को लॉक भी लगा सकते हैं आप, टॉर्च लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं डेफिनेटली, रिंगटोन का वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। इसके रिंगटोन का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। एक ही स्पीकर दिया गया है जो कि एयरपीस का काम भी करता है, एक्स्ट्रा स्पीकर को भी बैक पे या नीचे नहीं दिया गया। सेटिंग में सबसे ऊपर कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। कनेक्टिव के अंदर जाते हैं तो फ्लाइट मोड है, ड्यूअल सिम मोड है और ब्लूटूथ मोड आपको मिलता है। टून्स के ऑप्शन में रिंगटून है, रिंगटून वॉल्यूम वाइब्रेशन और मैसेजिंग टून सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें आप। मेन स्क्रीन पे जाते हैं तो आपको कॉल लॉग मिल जाता है, कॉल लॉग में सेलेक्ट करते हैं आप 20 मिस कॉल और 20 डायल कॉल का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि लिस्ट बन जाती है। कॉन्टैक्ट जब एंट्री करते हैं तो 500 कॉन्टैक्ट एंट्री कर सकते हैं इसमें सिम के अलावा। दो सिम में जितनी भी मेमोरी होगी वो आप सिम के हिसाब से तकरीबन नॉर्मली 250 एक सिम में इंस्टॉल कर सकते हैं आप कॉन्टैक्ट्स। टोटली 1000 कॉन्टैक्ट्स इसमें सेव कर सकते हैं इस फ़ोन में इंक्लूडिंग सिम्स। इसमें मैसेज की कैपेसिटी मेमोरी के हिसाब से तकरीबन 16 MB इसकी कैपेसिटी है फ़ोन की, तो तकरीबन 1000 मैसेजेस आप इसमें सेव कर सकते हैं। ब्राउज़र के लिए ओपरा मिनी ब्राउज़र इसमें इंस्टॉल किया गया है बिल्टन जो कि बेस्ट है, फेसबुक इंस्टॉल की गई है। इसके अलावा मोबाइल स्टोर का ऑप्शन है जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मज़ीद कैमरे का ऑप्शन भी है जो कि वीडियो भी बनाता है और नॉर्मल फोटोग्राफी भी करता है, जूम भी करता है ये फ़ोन। पिक्चर्स वगैरह बनाने के बाद ब्लूटूथ से शेयर भी कर सकते हैं और मल्टीमीडिया से भी शेयर कर सकते हैं। इसके कैमरा में इमेज इफेक्ट्स भी लगाए गए हैं जैसे कि ग्रे साइंट, मोनोक्रोम और डिफरेंट किस्म के इफेक्ट लगाए गए हैं जो कि आपके पिक्चर को ज़्यादा लुक देते हैं। कैमरा में बस्ट मोड भी और सेल्फ टाइमर का भी ऑप्शन है। बिल्ट इन म्यूज़िक प्लेयर भी इसमें मिलता है आपको और वेदर अपकास्ट भी है इसमें।
स्नेक गेम इसमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया गया है। एफएम रेडियो भी इसमें है जो कि हैंड फ्री लगाने से चलेगा। डिस्प्ले में जाके वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं इसमें आप। इसमें एक अच्छी बात, इसमें फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, मैसेजिंग का, कॉन्टैक्ट्स का और मेन्यू का। सेटिंग में डिफरेंट कलर के प्रोफाइल आप खुद मैनेज कर सकते हैं। कीपैड की रिंग भी ऑफ हो जाती है। इसमें एक नया फीचर मुतारफ़ किया गया है, बैकअप बना सकते हैं पूरे फ़ोन के कंप्लीट का, लेकिन इसके लिए मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन में ऑटोमेटिक रीडायल है, नंबर स्क्रीनिंग है और ब्लॉक लिस्ट भी इसमें मौजूद है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते इसमें आप। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है इस फ़ोन में। कैलकुलेटर, कैलेंडर, वीडियो प्लेयर, फाइल मैनेजर भी इसमें लगाया गया है। एक्स्ट्रा फीचर में काउंटडाउन, टाइमर, स्टॉपवॉच, टॉर्च, कन्वर्टर भी है इसके अंदर। नोट्स भी लिख सकते हैं इसमें आप। स्मार्ट ड्यूअल सिम का ऑप्शन है, दो सिम की सेटिंग आप स्मार्टली कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा 3-4 गेम्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं एस्पॉर्ट लाइक।